अब उनका भी घर में आना जाना बंद करवा दिया उसने, जैसे कोई सौतेला भाई वो। अपने आप से ही मतलब रखते हैं, मैं मेरी पता है ने बहुत रो ये रही। मेरे साथ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू नाजी अभिषेक ब्लॉग। तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हर दिन ऐसा होता है कि नए सब्सक्राइबर्स जुड़ते हैं, तो हमारी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं, और कुछ पुराने भी हैं जो इस बारे में बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं, तो इसी बारे में हमने सोचा कि क्यों ना आज इस पर बात की जाए। वैसे तो हमने इस टॉपिक पर बहुत सारी बातें पहले भी बताई हैं, जब हम जैसे अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे तो उसके बाद हमने बताई थी ये सारी बातें। मेरे ससुराल का लोग पूछते हैं कि आपके ससुराल में कौन कौन है, तो मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर हैं और मेरे हस्बैंड ने, इनकी कोई बहन तो है नहीं है, सिर्फ ये दो भाई ही हैं, तो ये छोटे हैं और इनसे बड़े एक हैं। मेरे एक जेठ जेठानी हैं और 4 साल पहले जो हुआ वो आप सबको पता ही है कि उन्होंने हमें घर से निकाल दिया था। और उसके बाद मेरे भाई का नेचर ऐसा है कि वो किसी से ज्यादा रखता नहीं है और ना किसी से ज्यादा बात करता है। इवन मुझसे क्या, वो मेरे पेरेंट्स से भी वो रखता नहीं है और ना घर पे बुलाता है। और सबसे बड़ी बात, वो किसी से मेल जोल रखता नहीं है, ना किसी को अपने घर पे बुलाता है। इवन हम लोगों को भी मतलब अपने घर पे नहीं बुलाता है वो। और एक तरह से बहुत ज्यादा मतलबी इंसान है वो। उसने मुझे भी अपने मतलब के लिए यूज किया था। मेरा भाई पिछले 8-10 सालों से मेरे पेरेंट्स से भी नहीं रखता है, ना बातचीत करता है, ना फोन, ना आना जाना, कुछ भी नहीं। और अभी लास्ट ईयर जैसे उसका कुछ मतलब होगा, उसने मेरे पेरेंट्स से बातचीत शुरू की, वापस आना जाना शुरू हुआ उन लोगों का। तो जब उनका मतलब निकल गया तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स से भी बातचीत करना बंद कर दिया, उनका आना जाना भी बंद कर दिया। अब तो वो फोन भी नहीं उठाते मेरे पेरेंट्स का। तो इसलिए हम कभी उनके बारे में कोई बात नहीं करते हैं, ना ही उनके बारे में कुछ बताते हैं, क्योंकि बार बार एक ही बात करना भी अच्छा नहीं लगता है। पर बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना फिर से इस बात को क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ नए लोग आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम अपनी तरफ से बात नहीं करते हैं, तो फिर हमारे ऊपर अगर बात आए तो फिर हमें क्लियर करनी पड़ती है। जब तक उसके मकान का काम चल रहा था तब तक मुझसे बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से बात करता था। और जैसे ही उसके मकान का काम खत्म हुआ और जैसे ही मेरी शादी हुई, उसके बाद तो मतलब ऐसा उसने रंग बदला, मतलब दोनों ही हस्बैंड भाई, मेरे भाई और भाभी दोनों ने ही, कि जैसे मतलब मैं उनका सगा भाई नहीं हूं, जैसे कोई सौतेला भाई हूं, ऐसे उनके तेवर चेंज हो गए। पता नहीं उनका, अब कहते हैं ना कि एक बार इंसान का मतलब निकलने के बाद में वो किसी को नहीं पूछता, तो मेरा भी वही हाल हुआ। मुझसे मतलब निकलने के बाद में उसने मुझे भी पूछ के फेंक दिया। मैंने भी आज तक उनको ऐसा कहीं आते जाते नहीं देखा है, रिश्तेदारी में कभी सुना नहीं है उनके बारे में, कहीं वो जाते हैं हम लोगों ने कभी देखा नहीं। तो जहां तक मुझे भी इतना ही समझ आया है कि वो दोनों अपने आप में ही रहते हैं, अपने आप से ही मतलब रखते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए आपने तो मुझे देखा ही है, सास ससुर के साथ तो हम अच्छे रहते ही हैं। अब वो सामने से कोई इंसान रहने नहीं चाहता है, अच्छा उन्हीं के घर में साथ में रहे थे हम, बिल्कुल ऐसे रहे थे जैसे कि हम मतलब वो हमारे बड़े हैं तो हम जैसे एक छोटों को रहना चाहिए, वैसे ही हम हर तरह से वहां रहते, बट उनको पसंद ही नहीं आया। इतना ज्यादा उन्होंने टॉर्चर किया था ना मेंटली हम दोनों को। तो देखिए मैं खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ ना कि जो अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते, अपने भाई को जीते जी उन्होंने बोल दिया है कि ये मेरे लिए मर चुका है, किसी और से नहीं पेरेंट्स से ही मेरे बोला पेरेंट था। से बोलता है मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा भाई मर चुका है। तो अब देखिए जब वो अपने जीते जी भाई को उन्होंने मार डाला, तो फिर मैं तो कहाँ लग रही हूँ, तो ऐसे लोगों पर कौन यकीन करेगा। तो और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोशिश नहीं की है कि हमने डायरेक्ट रिश्ता खत्म कर दिया। हम जब 6 महीने रहे थे वहां पे, हमने बहुत कोशिश की कि मतलब चलो उन्होंने कुछ बोल भी दिया तो हम कुछ नहीं बोलते थे वापस। हम यही सोचते थे कि वो बड़े बड़े हैं, बोल सकते हैं। क्या होता है ना, जब अगर आप किसी के घर में रहते हो ना, तो आपको उससे दब के रहना पड़ता है, उसकी सुननी पड़ती है, चाहे भले वो आपको कुछ भी बोल दे, आप पलट के बोल नहीं सकते उनको वापस। तो हमारे साथ भी ऐसे था, वो हमें कुछ भी बोल देते थे। एक बार तो नेहा को इतना बुरी तरह, मेरे सामने ही, चलो मेरे पेट पीछे अगर कुछ बोले तो समझ आ, मेरे सामने ही नेहा को इतनी बुरी तरीके से लताड़ा मेरी भाभी ने, बहुत रोई, ये मेरे सामने रोने लग गई, बहुत रोई मैं उस दिन। मेरी शादी को 1 से 1.5 महीने हुआ था, तो मतलब वो कभी कभी किसी न किसी बात पे ऐसा बोल ही देती थी। मैंने जेठानी का नाम तो सुना था कि जेठानी तेज होती है, पर भाई जब मैंने खुद ने मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैं देखो मुझे आप बोलने में भी कुछ डर नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं बताती हूँ। तो बहुत ऐसा वो बोलती थी, तो कभी एक दिन तो उन्होंने हद पार कर दी, इतना इनके सामने इतना चीख रही, मेरे ऊपर इतना चिल्ला रही थी, तो मैं बहुत रही उस दिन। तो फिर है ना मुझे दुख हुआ, मैंने कहा आखिर हुआ क्या, मैं जबकि मैंने कुछ भी नहीं करा था, मुझे उनका आज तक समझ नहीं आया उनको प्रॉब्लम क्या थी।
ओ तो अब ये बोलते कि कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, तो ये बोल रहे कि अब यहाँ से जा भी नहीं सकते, अभी इधर ही हैं, इसलिए इनके साथ इनका मूवी देखना पड़ेगा, इनके साथ रहना पड़ेगा। तो हम वो ही सोच के चलो ठीक है, फिर मैंने अपने दिल को ऐसे बहला लिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर मैं अपनी मम्मी के यहाँ पे मेरे मायके में होती, बहन भाई लड़ते हैं, एक दूसरे को बुरा भला बोल देते हैं, मम्मी भी गुस्सा कर जाती है, तो क्या हम उनका बुरा मान जाते हैं, क्या उनसे बात नहीं करते? तो कि मैंने यही सोच लिया, क्योंकि हमें लड़कियों को घर में यही सिखाया जाता है कि जैसा मायका है वैसे ससुराल है, अपने मायके जैसा ही समझना। तो मैं अपना दिल बहला लेती, मैंने कहा चलो ठीक है, ये बड़ी है, इनका हक है, ये मुझे डांट भी सकती है, तो मैं बुरा नहीं मानती थी। पर एक बार होता है, दो बार होता है, उनका हमेशा यही चलता था, और मेरी बिना कोई गलती के। हम तो लोग ऊपर वाले फ्लोर में रहते थे और इतनी गर्मी लगती थी वहां पे, हम कूलर लेके आ गए तो कूलर लाने पे भी ऐसा वो मुंह सुझा दिया कि मुझे लगा क्या पता इनकी बिजली जलती होगी इसलिए अब इनको बुरा लग गया होगा। तो मैंने कहा कि मैं बिजली का बिल भी, मैंने उनका 3 महीने तक बिजली का बिल मैं नहीं भरा था, तो भी मतलब उनका मुंह फुला ही रहता था एनी बिजली टाइम। का बिल और ये सिलेंडर खाने पीने वगैरह, का हम अपना अलग हाँ, लेके और आते थे। सिलेंडर वगैरह का भी, अगर किसी को ऐसा लगे कि हम उनके घर में रहे तो उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया, तो मैं आप सभी को बता दूं, उन्होंने हमारे ऊपर 1 रुपए का भी, हमारे ऊपर उनका कोई एहसान नहीं है। उन्होंने आज तक हमसे सिर्फ लेना ही सीखा, जिंदगी में कभी देना सीखा ही नहीं। यहाँ तक कि एक शादी होने के बाद लड़की जब अपने जाती है तो अब हमारा तो वही घर था, ससुराल हम उसको ही समझते थे, तो ससुराल जाने के बाद में नेहा को 100 रुपए देना तो छोड़ो, 1 रुपया तक नहीं दिया इसको। हाँ ऐसा होता है ना कि चलो लेने के लिए हम भी नहीं बैठे हैं, बट एक ये रस्म होती है, जैसे मुझे कुछ अनजान लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं कोर्ट से जब गई थी घर पर, तो मुझे जितने भी घर पे लोग थे सभी ने कुछ ना कुछ दिया था। तो एक रहता है ना कि नई लड़की आई है, बहू आई है घर में, तो एक कुछ नहीं तो 10 रुपये इंसान रखता है, तो एक रस्म के तौर पर। तो हम एक ये इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि ना बहुत सारे लोगों ने हमें उस टाइम पर कॉमेंट करे थे कि आपके भाई ने आपके ऊपर एहसान किया, ये करा, शादी में मदद की। रही बात शादी में मदद करने की, तो शादी ये भी बता दूं, शादी में उसने 1 रुपए की भी मदद नहीं की है। जितना भी खर्चा हुआ है कार अरेंज करने का, जो भी शादी का जा जितना भी वकील का लॉयर का जो भी खर्चा था वो सब मैंने दिया। मैंने अपने भाई या भाभी से 1 रुपए की भी मदद नहीं ली है। 6 महीने उन्होंने हमें जितना टॉर्चर किया ना, हम 6 महीने तक बर्दाश्त करते रहे, 6 महीने तक उनको पलट के कभी कुछ भी नहीं बोलते। बट फाइनली उन्होंने क्या किया कि अब तो ये परेशान हो नहीं रहे तो इनको डायरेक्टली बोल के ही निकाल देते हैं। तो वो दिन था जब उन्होंने डायरेक्टली बोल के बोल निकाला कि आपको जो भी घर बसाना है अपना कहीं और जाके घर बसाइए, हमारे यहाँ पे मत रहिए अब। जिसका घर होता है ना वो कुछ भी कर सकता है, जैसे हम उनके यहाँ रह रहे थे, तो जिनके घर में हम होते हैं ना वो अपनी एक होता है ना अपना रौब रौब दिखाते हैं, तो वही वो करते थे। तो चलो कोई बात नहीं, उनके घर में हम रह रहे थे तो वो आधी रात पे भी हमें निकाल सकते हैं, बट निकालने का एक तरीका होता है, वो हमसे अच्छे से सामने आकर बोल देते कि नेहा और आशीष आप लोग चले जाइए, मतलब कम से कम इतना रिश्ता रखते कि आगे चल के कभी दुख तकलीफ बीमारी में त्योहारों पे मिल सके। उन्होंने तो सारे रिश्ते हमसे खत्म कर दिए। बिल्कुल मैंने उसको इतने साल से पैसे दे रखे थे, मतलब कितने ही शादी से पहले के भी मेरे पैसे दिए हुए थे और मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब भी मैंने पैसे दिए थे। मैंने आज तक कभी उससे 1 रुपया नहीं मांगा, जबकि मैंने मार्केट से लोन लोन उठाया था, उसका ब्याज मैं भर रहा था। मैंने उसको कभी नहीं बोला कि तू ब्याज दे या पैसे दे। बट जब उन्होंने घर से निकाला ना, बोला कि आप जाके अलग घर बसाओ, मैंने भी सोचा कि अगर अलग घर जाके बसाना है तो उसके लिए पैसों की तो जरूरत पड़ेगी, तो कोई नहीं, मैंने जो मेरे पास मेरा पैसा तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो बस उसमें से भी उसने क्या करा, घर का सारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बाकी था, गैस सिलेंडर का बाकी था और जो भी खर्चा बाकी था वो सारा काट के पैसा दिया उसने। तब जाके उन्होंने हमें हाँ घर से निकलने दिया, एक एक रुपया काटा। आप सोच सकते हो आज के टाइम पे कोई ऐसा भाई देखा है आपने जो एक एक रुपया का पैसा देखे हमें घर से निकाला, और उसके बाद रिश्तेदारों से क्या कहा उन्होंने, वो सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। ये कजिन सिस्टर को बोला था आशीष भैया और वो कहाँ गए हैं, क्या आपको पता है क्या कहीं? ये पता नहीं, वो तो कुछ बता के ही नहीं गए अपने आप ही, क्या हम तो जा रहे हैं यहाँ से बस। अरे इतने ये सच्चे हो हाँ, तो पूरी बात बताओ ना और उनको। ये वाला, ये जो फोन किया था ये मेरी जेठानी ने ही किया था उनको, मेरी ननद को किया ना,
वो लोग कहाँ गए हैं, मतलब उन्होंने हमें हमारे पूछे पहुंचने से पहले ही कहीं पे उन्होंने ये सब बता दिया ताकि उन पर कोई बात ना आए। तो आप देखिए उनका नहीं, दिमाग वो ये साबित करना चाहते थे कि हम अपनी मर्जी से गए, उन्होंने नहीं निकाला हमें। तो देखिए अब वो कितनी शातिर है मेरी जेठानी। तो अब आप सोचिए ऐसे लोगों के साथ गुजारा हो सकता है। तो मैं सच बता रही हूँ, हम तो इस बात का शुक्र अदा करते हैं कि हम इस बात से बहुत खुश हैं कि वो हमसे दूर हो गए। क्योंकि अगर वो आज साथ में होते ना तो सच में आज हम दोनों को वो अलग कर ही देते, क्योंकि वो ये देख ही नहीं सकते। जब जब हम खुश हुए हैं ना, उनका हमेशा मुंह चढ़ जाता था दोनों का ही। तो मैं सच बताऊं ना, अगर मुझसे पूछा जाए कि आपकी जेठ जेठानी, तो मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, मुझे तो याद भी नहीं रहता है कि मेरे जेठ जेठानी भी है उनके बारे में। क्योंकि इंसान उन्हीं को याद करता है जिनके साथ साथ रहता है, अच्छे से बातचीत होती है, मेलजोल होता है। उनके साथ कुछ मेलजोल ही नहीं है। उन्होंने शादी के जस्ट बाद ही उन्होंने रिश्ते खत्म कर दिए सभी से ही। ना मैंने कभी मेरे सास ससुर को वहां जाते देखा है, आपस में मिलते देखा है। कभी जब हम रहते थे 6 महीने, जब एक आध बार वो मेरे से मिलने आते थे तो वो भी उनको पसंद नहीं आता था कि तेरे, मेरी जेठानी बोलती थी कि तेरी वजह से ये सास ससुर आते हैं यहाँ पर मिलने के लिए तेरे, ये नहीं बोलती थी कि अपने सास ससुर के, तेरे सास ससुर तेरी वजह से मिलने आते हैं हमारे घर में। तो देखिए इस टाइप से वो बोलती थी। तो खुद ने घर से निकालने के बाद फिर मैं मेरे पेरेंट्स के घर पे पहुंचा तो उनको वो भी सुकून नहीं मिला। उनको जब पता चला मैं मेरे पेरेंट्स के घर पे पहुंचा हूँ तो मेरे पेरेंट्स को फोन करके बोलता कि इसको घर में क्यों रखा, इसको घर से निकालो। तो उस दिन से मैंने सोच लिया कि जब वो मुझे घर से निकाल सकता है मेरे जीते जी अपने घर से, तो मैंने सोचा कि मेरे नेहा को मेरे जाने के बाद या मुझे कल को कुछ हो गया तो वो मेरी नेहा को क्या रखेगा। तो मैंने सोच लिया कि मैं नेहा को अलग उसका खुद का घर बना के दूंगा ताकि उसको कभी कोई नहीं निकाल सके अपने घर से। इनको मेरी बहुत चिंता रहती है, तो यही बोलते हैं कि है ना कि मुझे मेरे भाई और भाभी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। क्योंकि ये बोलते हैं कि मुझे मेरे मम्मी पापा पे पूरा भरोसा है, वो तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। बट वक्त का भरोसा नहीं रहता है, वक्त कैसा हो क्या हो, तो इनको मेरी टेंशन ज्यादा रहती है। तो यही बोलते हैं कि इस घर से अब तुझे कोई कहीं नहीं निकाल सकता और यहीं पे हमेशा रहना, चाहे जिंदगी में कभी भी कुछ हो जाए, बस कभी किसी के आगे हार नहीं मानना। क्योंकि ये मेरे भाई जैसे लोग बहुत सारे तेरे सामने आएंगे, तो इन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी है। तो मैं भी पता है पहले शादी हुई थी ना, जब बहुत ऐसे डरी डरी से रहती थी, क्योंकि नया नया घर होता है तो डर ही जाते हैं। आज हम अपने घर में बैठे हैं तो आज किसी की हिम्मत नहीं है कि हमसे कुछ बोलकर दिखाए। इसीलिए अब हम यहाँ पे अलग सुकून से रहते हैं, क्योंकि मैंने मेरे भाई के यहाँ पे भी रह के देख लिया उसने हमारे साथ क्या किया था। क्योंकि वक्त का भरोसा नहीं है, जब जो साथ विश्वास उठ जाता है, जो साथ रहता है ना उसी के साथ अनबन ज्यादा होती है। ये दुनिया की रीत है, सब जगह यही हाल है। हाँ। तो हमने कहा कि साथ रहने से अच्छा भले थोड़ा दूर रह ले पर रिश्ते तो कम से कम कायम हाँ, रहते हैं। ये होता है ना, साथ रहने से रिश्ते बिगड़ने से अच्छा है कि दूर रहकर रिश्ते सुधारे जाए। तो इसीलिए हम यहाँ रहते हैं, और जब जैसे वहां जाना होता है हम ससुराल तो वहां भी चले जाते हैं, और उनको यहाँ आना होता है तो यहाँ जाते हैं। मुझे बताते हैं कि मेरे भाई से मेरा बहुत ज्यादा अच्छा रिश्ता था जब उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। मैं मेरे पेरेंट्स से भी ज्यादा मेरे भाई को मानता था। मेरा सच में विश्वास उठ चुका है रिश्तों पर से, मेरे भाई पर से, और सब चीजों पर से मेरा विश्वास उठ चुका है। अब आज में हम बस यही क्लियर करना चाहते हैं कि ना ही जेठ जेठानी वगैरह कभी यहाँ पर दिखेंगे हमारे मेरे घर पे, और ना ही हम कभी उनके यहाँ पे जाएंगे। दी वो लोग तो घर में पैर भी नहीं रखने देते हैं, तो हमें अपनी इज्जत का ख्याल है। हम चलो ये सोचकर वहां चले जाएं कि चलो वो बड़े, हम 10 बार चले जाएं वहां पे, बट बात ये है कि वो घर में घुसने ही नहीं देते हैं ना किसी को, घर में अंदर आने ही नहीं देते हैं। तो जब मेरे पेरेंट्स को भी घर में पैर रखने तो हम कहाँ लग रहे हैं। तो देखो हम अपने घर में बढ़िया है, तो अब आगे से उन्होंने रिश्ता तोड़ा है तो हम भी, पर अब ऐसे नहीं है कि आगे से बार बार जाएं। आज हम भी अपने घर में अच्छे से बैठे हैं क्योंकि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमको परेशान करने में। आप सोच भी नहीं सकते उन्होंने किस हद तक हमको परेशान करा है, मेरी आंखों देखा है। मैं कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करती, पर मेरा आंखों देखा सब कुछ है तो मैं वो जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। और मुझे इनको और मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है उन दोनों पर, जिंदगी में कभी भी भरोसा नहीं होगा सच में। हम तो मैं तो उसके घर का पानी पीना छोड़ो, मैं उसके घर में कदम ना रखूं कभी जिंदगी में। हाँ, सब कुछ आपको पता चल गया होगा। और तो ठीक है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।